नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है फेशियल एट होम का पार्ट टू। तो हम पार्ट वन में कवर किए थे फेस वॉश, स्क्रब एंड स्टीम, और पार्ट टू में बाकी रह गया है फेस पैक, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो हम देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की ओर। टॉपिक है फेस पैक। अगर फेस पैक के अभी मैं सारे बेनिफिट्स बताने लग जाऊं तो एक वीडियो तो कम ही पड़ जाएगा उसके लिए। तो स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ ए फेस वॉश। फेस पैक, इट विल वर्क लाइक मिरेकल्स फॉर टैन रिमूवल, इट वर्क बेस्ट फॉर ब्राइटनिंग द स्किन, इट रिमूव आवर एक्स्ट्रा ऑयल फ्रॉम द स्किन एंड ऑल्सो द पिगमेंटेशन ऑफ आवर। चलते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़, अगर फेस पैक का यूज़ आपको नहीं पता है, मुझे लगता है कि सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो उसके लिए 2 मिनट का साइलेंट प्रेयर तो बनता है बॉस, क्योंकि ये इतना सिंपल चीज़ है और इतना कॉमन है जो हर कोई यूज़ करता है। तो चलिए, फेस पैक लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि इसको 15 मिनट से 20 मिनट ही चेहरे पर रखा जाता है। जो लोग इसे 30 से 1 घंटा रखते हैं, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, उससे धोने के बाद हीरा नहीं निकलेगा। वही 15 मिनट में उसका बेस्ट वर्क होता है, उसका जो भी वर्क होता है वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो वॉश इट आफ्टर 15 मिनट्स। और माय फेवरेट फेस पैक इज़ द बायोटिक टैन रिमूवल पपाया वाला, जो मैं यहाँ पिक दे दूँगी। वो इट वर्क्स मिरेकल। अगर टैन है तो इमीडिएट इसको यूज़ करना और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। वीक में 1 to 2 times यूज़ कर सकते हो। तो अब है जिसको नहीं ख़रीदना है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं DIY की तरफ। ये DIY इतना कॉमन है और इतना सिंपल है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। लड़का, लड़की, बूढ़े, यंग, बच्चे, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। तो चलते हैं DIY की तरफ। तो इस DIY को बनाने के लिए हम पहले बेसन लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि हम नेक पट को भी ना भूलें, और उसमें हम थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे जो हमारे स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा हनी जो स्किन को स्मूथ रखेगा। अभी इस मिक्सचर में थोड़ा लेमन ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही। अगर आप चाहें तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा गुलाब जल ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स तब तक करना है जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए और लंप्स फ्री ना हो जाए। तो हमारा DIY पैक अब रेडी है लगाने के लिए। हो गया है फेस पैक का DIY, जिसका डेमो मैं वीडियो के अंत में दे दूंगी। अब चलते हैं हमारे 5th पार्ट पे, जो है टोनर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि टोनर चीज़ है क्या, ये काम क्या करता है। सो दोस्तों, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। मैं बताती हूँ टोनर के बेनिफिट्स। इट हाइड्रेट योर स्किन, इट रिमूव पिगमेंटेशन, इट प्रिजर्व द गुडनेस ऑफ द स्किन, इट मेंटेन्स द pH ऑफ द स्किन। और ये टोनर जो मैं बताने वाली, ये हर घर में मिलता है, पर सबको पता नहीं होता है कि ये भी टोनर का काम कर सकता है। वो है डाबर गुलाब जेल, जो सबके घर में पाए जाते हैं, जो आप यूज़ करते हो रिमूव करने के लिए। उसको आप टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसको चेहरे पे थोड़े डैब डैब मोशन में लगाना है और उसको 5 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं DIY की तरफ। यहाँ टोनर बनाने के लिए हम छोटा सा पीस क्यूकम्बर का लेंगे, उसको ग्रेट कर देंगे। मैंने यहाँ पे ग्रेट करके दिखा दिया है। अब उसको छलनी में से उसका पानी निकाल लेंगे। जितना भी उसका जूस निकलेगा उसको हम टोनर की तरह यूज़ करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं।
फ्रिज में, पर मैं आपको दिखाने के लिए बस थोड़ा सा ही बनाऊंगी। तो ये बन चुका है हमारा DIY टोनर। ये DIY लगाने के बाद 10 मिनट तक वेट करना है और वॉश कर देना है, क्योंकि ये DIY है इसलिए वॉश करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप बट नॉट लीस्ट, अब है मॉइस्चराइजर की बारी। मॉइस्चराइजर बेनिफिट ये है कि फेशियल के जो सारे 5 स्टेप्स किए हैं उसको लास्ट में प्रिजर्व और उसको चेहरे पे अच्छाइयों को लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजर। ज़्यादा स्किन ड्राई ना हो जाए, ज़्यादा स्किन फ्लेकी टाइप्स का ना हो जाए, इसलिए यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मेरा फेवरेट वाला है ये वाला, और मैं इसको खाली इस्तेमाल नहीं करती, ये थोड़ा ऑयली होता है, मेरे स्किन में ज़्यादा अच्छे से जाता नहीं, तो मैं इसके साथ थोड़ा एलोवेरा जेल लेती हूँ और दोनों को मिला के फिर यूज़ करती हूँ। और ये भी तो डर है लॉकडाउन में कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, फिर खरीद भी तो नहीं पाऊँगी, इसीलिए थोड़ा इकोनॉमिकल होना पड़ता है दोस्तों। तो ये रहा मेरा मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर का DIY अभी तक मैंने कोई आजमाया नहीं है, या फिर अभी तक मैंने कुछ अच्छा नहीं देखा है। अगर मुझे मॉइस्चराइजर का कुछ भी DIY मिलता है या फिर मैं कुछ कर पाती हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म मतलब अपडेट कर दूँगी। तो ये छोटा सा वीडियो था जो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए ये आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, आप कमेंट डाउन कर दीजिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। तो अब चलते हैं डेमो की तरफ। तो पहले मैं अपने हेयर को क्लिप की मदद से पीछे कर लूँगी, और उसके बाद फेस में जितना मेकअप है फेस वाइप से वाइप कर लूँगी। मैं इस फेस वाइप का इस्तेमाल कर रही हूँ, जॉनसन वाला। देखिए कितने अच्छे से ये रिमूव कर रहा है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लेती हूँ, फिर भी ये बहुत क्लियरली वाइप करता है और कुछ भी डर्ट हो उसको भी साफ़ कर देता है। अब बारी है फेस पैक की, जो हमने बनाया था उसको हम अच्छी तरह से मुंह में लगा देंगे और वेस्ट नहीं करेंगे, चम्मच वाला भी लगा देंगे। अच्छे से हर जगह लगा देंगे। कभी भी हम अपने नेक रीजन को नहीं भूलेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे भी अच्छे से लेयर बना के लगा लेंगे। अब 10 मिनट वेट करेंगे, 10 से 15 मिनट, इस बीच आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए ये सूख चुका है, थोड़ी देर में इसको वॉश कर लिया मैंने, और एज यूजुअल डैब डैब मोशन में फेस को वाइप करूँगी। अब बारी है टोनर की, जो हमने टोनर बनाया था उसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे हर जगह पे। टोनर का लगाने का कुछ अलग ही तरीका होता है, अगर उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। इसको डैब डैब मोशन में लगाते हैं ताकि स्किन टाइट रहे और हाइड्रेट रहे। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने अपना चेहरा धो लिया है, अभी पोंछ लूँगी उसको। और अब बारी है मॉइस्चराइज़र की, देखिए मैं कितना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लूँगी आज इकोनॉमिकल। उसमें 2 ड्रॉप्स एलोवेरा जेल लूँगी और उसको मिला लूँगी। उसको मिला के अपने चेहरे में हर तरह पे लगाऊँगी, हर जगह पे, और उसको थोड़ा हल्का मसाज करूँगी। देखिए चेहरे में कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, जो थोड़ा ड्राई लग रहा था अभी अच्छा लग रहा है। और ये ख़त्म हुआ हमारा फेशियल रूटीन। चलो सपनों से भर दे अपनी दुनिया, जिसमें ना हो कोई कमियाँ। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबाना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सी यू सून।